और बेहद ही खूबसूरत था, गमगीन था पर जरूर खूबसूरत था। वापस से एक बार बचपन की यादों की तरफ ले जा रही हूँ आप सब लोगों को। बचपन में ये सब गाने बहुत सुना करती थी, हाँ, मेरे बाबा के मुंह से, मेरे पापा के मुंह से बहुत अच्छा लगता था। हो सकता है वही समा या वही माहौल का एक असर होगा जिसकी वजह से मुझे ये गाने बेहद पसंद है और बेहद दिल के करीब हैं। आजकल के ज़माने के गाने भी अच्छे हैं, मानती हूँ। बहुत ऐसे गायक कलाकार हैं जिनमें से अरिजीत सिंह एक है, उनका नाम लेना बहुत अच्छा लगता है मुझको। और श्रेया घोषाल एक है, क्योंकि वो मेरी बहुत फेवरेट है। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके नाम मुझको इस पल में याद नहीं आ रहे हैं, पर हाँ, अच्छा गाते हैं। पर आजकल के गानों में वो एलिमेंट ही नहीं रहा, वो एक तत्व नहीं रहा कि जिससे वो गाने को हम बार बार सुने, बार बार गाए, बार बार गुनगुनाए, पता नहीं कैसे। बट एनीवेज़, ये गाने जो पुराने ज़माने के हैं बहुत ही दिल के नज़दीक है और करीब है। इसे गाने को बार बार दिल करता है। इसी के साथ
मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहती हूँ, सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, नहीं तो देखिए कट्टी हो जाऊंगी। याद है कट्टी हम बचपन में करते थे, कट्टी बट्टी, कट्टी हो जाऊंगी। सब्सक्राइबर्स ज़्यादा चाहिए नंबर वन, फॉलोअर्स ज़्यादा चाहिए नंबर टू। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिएगा, और मेरे गाने को अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी बताइए, ख़राब लगा तो वो भी बताइए, मुझे कहाँ सुधारना है वो भी बताइए, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा पैशन, मैं कलाकार तो नहीं हूँ, ये क्या बोलते हैं नौसिखिया, हम बोलते हैं नौसिखिया एक शब्द है, मैं नौसिखिया हूँ, मुझे गाना गाना नहीं आता है, फिर भी कोशिश करती हूँ ये गाने गाऊँ। लॉकडाउन के इस अंतिम अंतिम चरण को मैं भरपूर तरीके से आनंद उठाऊँ और आप तक, आपको मैं एंटरटेन करूँ उसी के साथ। बाय।